अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से यूज होती है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफार्मास्यूटिकल्स या फिर बायोलॉजिकल यूजिंग बैक्टीरिया माइक्रोब्स फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हम जो बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट, अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर कोई फॉरेन डीएनए जो है दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और वो फिर उनके अंदर एक्सप्रेस भी होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग है, शीप, काउस, फिश, इन सब के अंदर फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करके उनको यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पसेस। लेकिन 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। बेनिफिट क्या होता है इनका ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, दे हेल्प अस टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो ये एक एक करके अब हमने स्टडी करना है किस तरह से ये इनका वेरियस इन फील्ड्स के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल है। तो जीन रेगुलेशन और किस तरह से कोई जीन जो है वो अफेक्ट करता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन को या उसके डेवलपमेंट को, ये स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्टर पढ़ना है, कोई कॉम्प्लेक्स फैक्टर है जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दूसरे स्पीशीज से जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर फैक्टर की फॉर्मेशन को ऑल्टर करें या चेंज करें। तो इससे क्या होता है कि जो उनका क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो स्टडी करना इजी हो जाता है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर के बायोलॉजिकल रोल के कि वो बॉडी में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अगर उनका हमने देखने की जीन्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, तो उसमें भी ट्रांसजेनिक मॉडल्स दे हेल्प अस टू इन्वेस्टिगेट न्यू ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन डिजीजेस। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज है, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर जैसे खतरनाक डिजीज है, हम किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो रिसर्चर्स हैं डॉक्टर्स हैं वो उसके जीन्स इंट्रोड्यूस करके नहीं देख सकते कि भी कोई पर्टिकुलर अगर मेडिसिन आई है, कोई ट्रीटमेंट है तो हाउ दैट इज गोइंग टू अफेक्ट दीज पर्टिकुलर पेशेंट्स या इज गोइंग टू हेल्प क्योर दीज डिजीजेस। लेकिन इसी पर्पस के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड, उनके अंदर उनके जीन्स डाल दिए जाते हैं और फिर वहां पर देखते हैं कि वो किस तरह से देन दे बिहेव या किस तरह से उनके फंक्शंस में चेंजेस आए हैं और फिर किस तरह से मेडिसिन देने पर या ट्रीटमेंट देने पर वो इम्प्रूव होते हैं उनकी कंडीशन। तो फिर इसी नॉलेज को अप्लाई किया जाता है ह्यूमंस के ऊपर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं दे आर बीइंग प्रोड्यूस और यूज टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उनके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि यूजफुल है इवन मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कई चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स हैं यूजफुल हैं लेकिन अगर उनको बनाने जाते हैं तो वो बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर अगर उनके जीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएँ और वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनते हैं तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हो एक्सेप्टेबल प्रोसेस बन जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस बन जाता है टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये एम्फाइजिमा को ट्रीट करने के लिए काम आता है। तो इसका क्या करते हैं फिर ये इसके जीन्स जो हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि ये काफ़ी क्वान्टिटी में बन जाता है एंड इट कैन हेल्प ट्रीट द डिजीज। Similarly, products for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis are being produced in the transgenic animals. इसके साथ ही जैसे 1997 में रोजी जो थी वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी which was in which human protein alpha lactic albumin was produced. और ये जो है ये प्रोटीन जो है दैट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काउ मिल्क। तो ये रोजी जो है ये 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये प्रोटीन जो है इसके मिल्क के अंदर प्रेजेंट था। तो
दिस इज हाउ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर बीइंग बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन यूज. देन वी टॉक अबाउट वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. तो अब जैसे ट्रांसजेनिक माइस हैं, ये फॉर एग्जाम्पल दे आर बींग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वायरस. तो इसको जैसे अगर ये चीज़ जो है ये ज़्यादा रिलायबल या ये रिलायबल समझ में आती है, तो दिस विल हेल्प टू रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन. तो कोई भी वैक्सीन है उसका पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर टेस्ट कर लिया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है, देन ओनली दे आर बींग यूज ऑन द ह्यूमन बींग्स. देन वी हैव केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी टेस्टिंग. तो जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनके अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि आर मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो इसका फायदा ये होता है कि जब भी इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे एक्सपोज किया जाता है, अफेक्ट इनके जो हैं वो उनको अफेक्ट नहीं करें. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इस तरह के टॉक्सिसिटी टेस्टिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो इमिजिएटली मिलते हैं. देन दीज कैन बी अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. अब हम बात करेंगे एथिकल इश्यूज की. तो अब देखो कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह के जो मॉडिफिकेशन है उससे कुछ अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी सामने आ सकते हैं जब इन ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं विच आर नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम. इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेटअप की हैं जो कि लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है, GAC, विच मेक्स डिसीजंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस. जब उनको ताकि जब उनको एक्चुअली में अप्लाई किया जाए, उनको इकोसिस्टम के अंदर रिलीज किया जाए, तो वो किसी तरह का हार्म नहीं करे, इस तरह की वैलिडिटी रिसर्च की वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए ये कमिटी कार्यरत है. सर्टन कंपनीज हैव गॉट पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स एटसेट्रा दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ स्पेसिफिक कंट्री. फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन लाइक टर्मरिक, नीम एटसेट्रा. अब क्या होता है कि काफ़ी लोगों में एक इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंगर है क्योंकि उनके जो लोकल एरियाज के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वो काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे थे, और लेकिन कुछ कंपनी क्या करती हैं उन्हीं चीज़ों को अपने ढंग से पेश कर देती हैं और उनका पेटेंट कर लेती हैं, तो विच इज़ नॉट करेक्ट. अब जैसे इंडिया में लगभग 2 लाख बासमती राइस की जो फिशीज हैं, तो वैरायटीज हैं, तो अब उसमें क्या है कि इन्होंने अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, उसको बासमती राइस को अब पेटेंट कर लिया और उनको कुछ ड्वार्फ इंडियन बासमती राइस को कुछ ड्वार्फ वैरायटी के साथ उन्होंने उसको हाइब्रिडाइज करवा के जो राइस बनाया है उसको पेटेंट करके यूज़ कर रहे हैं. तो अब क्या है कि इंडिया में ही इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है. और कुछ ऐसे हर्बल मेडिसिन्स भी हैं जैसे टर्मरिक, नीम वगैरह हैं जो कि यहाँ पे बहुत कई सालों से यूज़ हो रही थी, लेकिन जो बाहर की कंपनीज हैं अब उनको पेटेंट करवा रही हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को इसका बहुत नुकसान है. बासमती राइस हैज़ यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर. तो 27 वेराइटीज ऑफ जो बासमती हैं 1997 में उस अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. तो इससे क्या है कि वो एक नई वेराइटी ऑफ बासमती जो है दे कुड सेल दैट, पर ये इंडियन फार्मर की वेराइटी से ली गई थी, तो इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं अब वो बासमती राइस को सेल नहीं कर सकते. बाकी पे जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इतना ट्रेडिशनल नो हाउ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी में रिच नहीं है, दे आर रादर पुअर, लेकिन वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के नो हाउ को, क्योंकि उनको अभी तक ये नॉलेज ही नहीं थी कि हमें एक्सप्लॉटेशन को रोकना है. तो बायोपायरेसी इज अ टर्म विच मीन्स द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अथॉरिटाइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड. तो अब क्या होता है कि जो ये बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज
इट कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन. तो अब जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज की सारे नॉलेज, सारे बायो रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, उनको पेटेंट करवा देते हैं और फिर डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी ही नॉलेज, अपने ही बायो रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी के यूज के लिए इन डेवलप्ड कंट्रीज को पेमेंट करनी पड़ती है या एमएनसीज को पेमेंट करनी पड़ती है. तो अभी नेशंस जो हैं ये लॉज बना रहे हैं ताकि वो इस तरह के अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकें. और इंडिया ने भी, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने एक सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल है उसको क्लियर किया है, जिसमें ये सारे इश्यूज को ध्यान में रखा गया है कि जिसमें पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव सबका ध्यान रखा जाएगा कि कोई हमारी चीज़ों को दूसरी बाहर की कंपनी, बाहर का कंट्री वो पेटेंट करा कर हमसे ही ना पैसे ऐंठ सकें.